अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो हमारी पिछली वीडियो का ही कैजुअल होगा, जिसका नाम है स्पर्म स्ट्रक्चर। तो इससे पिछली वीडियो में हमने सिर्फ स्पर्म के हेड के मतलब पढ़ा था, आज हम स्पर्म के मिड पीस, उसकी टेल और उसकी मोर्टैलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें टॉपिक का, जो है कि आज हमारा टॉपिक मिड पीस है, तो उसी से स्टार्ट करेंगे। जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है उसमें दूसरे नंबर पर जो आता है उसे हम कहते हैं मिड पीस, ठीक है जी। तो स्पर्म के दूसरे नंबर पे जो चीज आती है उसे हम मिड पीस कहते हैं, जो कि इस हिस्से से स्टार्ट होकर यहां तक आता है, इस हिस्से को हम कहते हैं मिड पीस, ठीक है, मिड पीस कहते हैं। और जिस तरह हेड की हमने बात की थी, तो पूरे स्पर्म के स्ट्रक्चर में अगर हम उन्हें 100% स्ट्रक्चर समझते हैं, तो उसके अंदर 10% हेड का होता है, उसी तरह 10% मिड पीस होता है। ठीक है जी, तो स्पर्म के स्ट्रक्चर का जो 10% है वो मिड पीस बनाता है। अब हम लोग बात करेंगे इस मिड पीस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले जो स्पर्म का मिड पीस होता है, ये हेड के साथ एक पॉइंट पे जुड़ता है, ठीक है जी। इसे हम लोग कहते हैं पोस्टेरियर रिंग, इसका नाम होता है पोस्टेरियर रिंग। ठीक है जी, पोस्टीरियर रिंग वो मकाम है जहां पे हेड और मिड पीस आपस में जुड़ते हैं। देन उसके बाद नीचे की तरफ अगर हम लोग आते हैं, तो मिड पीस से नीचे, ठीक है जी, हेड और मिड पीस के दरमियान पोस्टीरियर रिंग से नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग सेंट्रियोल्स कहते हैं। ठीक है जी, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल्स। तो यही हमारा अगला होगा इसके अंदर मिड पीस के कॉम्पोनेंट में, नंबर वन सेंट्रियोल्स। तो सेंड्यूल्स की हम लोग बात करें तो मिड पीस के अंदर दो सेंड्यूल्स होते हैं, ठीक है, पेयर की फॉर्म में होते हैं, पेयर्स ऑफ सेंड्यूल्स। जो एक सेंड्यूल्स होता है इसको हम दो हिस्सों में कर देते हैं, एक होता है इंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है जी। इंटीरियर साइड पे जो है वो तो आपको नजर भी आ रहा है, जो पोस्टीरियर साइड पे होता है ये एक्सियल फिलामेंट बनाने में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये क्या बनाता है? एक्सियल फिलामेंट, ठीक है, ये एक्सियल फिलामेंट बना रहा होता है। इंटीरियर साइड का जो सेंड्यूल्स होता है वो यहां पे होता है। अब ये जो सेंड्यूल्स होता है ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेंड्रियूल्स सेंट्रोसोम कॉम्प्लेक्स, सेंट्रियूल्स सेंट्रोसोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। तो सेंट्रियूल्स क्या होता है? ये सेंट्रियूल सेंट्रोसोम कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में अरेंज होता है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर जरूरी होता है ताकि जाइगोट एस्टर बनाया जा सके, ठीक है जी। जाइगोट एस्टर बनाने के लिए सेंड्यूल्स का होना जरूरी होता है। अब ये सेंड्यूल्स मिड पीस के अंदर मौजूद होते हैं, एंटीरियर साइड पे पोस्टीरियर साइड वाला एक्सियल फिलामेंट बना देता है, ठीक है जी। उसके बाद नंबर टू पे जो चीज आती है वो इसके अंदर होती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो मिड पीस की जो अगर हम लोग दूसरी बात करते हैं कॉम्पोनेंट की, तो वो क्या जी? माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो मिड पीस के अंदर दूसरी चीज है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम लोग ह्यूमन स्पर्म की बात करते हैं, तो एक ह्यूमन स्पर्म के अंदर अप्रोक्सीमेटली 7 माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, ठीक है जी। एक ह्यूमन स्पर्म के अंदर अप्रोक्सीमेटली 70 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो कि अरेंज होते हैं इन स्पाइरल फॉर्म में, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ह्यूमन सेल के अंदर 70 के करीब होते हैं और ये स्पाइरल फॉर्म में अरेंज होते हैं, यानी कि एक मार्कल की अगर हम लोग बात करें, ये मिड पीस है, तो इसके इर्द गिर्द ट्विस्टिंग फॉर्म में क्वाइल होकर ये अरेंज होते हैं और हाईली कंडेंस होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्यों चाहिए? क्योंकि हमें पता है जो स्पर्म होता है इसने टेस्टिस में बनना है, एपिडिडिमिस में मैच्योर होना है, फिर इजैकुलेशन के दौरान मूव करना है, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर इसने मूव करना है वजीना से, ठीक है जी, यूट्रस, फिर फलोपियन ट्यूब में जाएगा, उसके प्रॉक्सिमल
प्लांट पे जाके इसकी फर्टिलाइजेशन होगी एग के साथ, तो इसने काफी डिस्टेंस तय करना होता है। तो स्पर्म को डिस्टेंस या फासला तय करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं एटीपी प्रोवाइड फॉर स्विमिंग, ठीक है जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देते हैं, एटीपी देते हैं ताकि स्पर्म स्विम करके एपिडिडमस से जब ये मेच्योर होकर बाहर की तरफ आता है तब, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब इसने सफर करना है, उस सफर के दौरान जो एनर्जी चाहिए वो इसे माइटोकॉन्ड्रिया दे रही होती है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं मिड पीस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सोनीम, ठीक है। ये जो रेड कलर की आपकी ट्यूब सी नजर आ रही है इसका नाम है एक्सोनीम। एक्सोनीम तो मिड पीस के अंदर जो थर्ड पोर्शन होता है उसे हम एक्सोनीम कहते हैं। ठीक है, एक्सोनीम क्या है जी? अगर हम लोग बात करें तो इसको कहा जाता है मोबिलिटी मोटर, मोबिलिटी मोटर। अच्छा, एक्सोनीम मिड पीस के सेंटर में होता है, इसे हम मोबिलिटी मोटर कहते हैं। क्योंकि हमने बात की थी एक्सियल फिलामेंट सेंड्यूल्स बनाते हैं, ठीक है जी। जो एक्सोनीम होता है इसकी अरेंजमेंट भी सेंड्यूल लाइक होती है। तो अगर हम लोग एक्सोनीम को, ये जो ट्यूब है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, फर्ज करें ये जो सेंटर में ट्यूब है इसे हम एक्सोनीम कह रहे हैं, इसे मोबिलिटी मोटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि स्पर्म की मोबिलिटी में इसका मेजर रोल होता है। अगर ये ना हो या अपना फंक्शन प्रॉपरली ना करे तो स्पर्म की मूवमेंट नहीं होती। अगर हम इसकी इस तरह सेक्शन करने के बाद, ठीक है जी, हम लोग इसको इस तरह काट के देखते हैं तो हमें ये अरेंजमेंट नजर आती है जिसमें 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है जी। जो एक्सोनीम है जिसे मोबिलिटी मोटर कहते हैं, इसकी जब हमने सेक्शन करके देखा तो इसके अंदर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स थी जो अरेंज हुई थी और सेंटर में 2 थी। तो ये आपस में अरेंज होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है जी, प्रोटीन की वजह से। और ये ट्यूब्स सेंट्रल ट्यूब के साथ भी जुड़ती हैं और बनाती हैं स्पाइरल, रेडियल स्पाइरल, सॉरी, ठीक है जी, रेडियल स्पाइरल, एक वी लाइक अरेंजमेंट होती है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो प्रोटीन होती हैं 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स की हमने बात की, ये कुछ इस तरह, ठीक है, अगर हम लोग ट्यूब्स की बात करें ये ऐसे अरेंज हैं और फिर इस तरह है। तो ये जो प्रोटीन होती है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं डायनिन। ये प्रोटीन एटीपी की जब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एटीपी एनर्जी देते हैं, तो ये क्या करती है, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्लाइड करवाती है, ठीक है, स्लाइड होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म के अंदर जो फ्लिकिंग एबिलिटी है वो प्रोड्यूस होती है जिससे ये मूव करता है। तो एक्सोनीम डायरेक्टली हम लोग बात करें तो स्पर्म की मोशन में इन्वॉल्व होती है, इस वजह से एक्सोनीम को हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये जो स्पाइरल होते हैं जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स को कनेक्ट करते हैं, जब डायनिन इनको फ्लिक करवाती है, इनकी मूवमेंट करवाती है, तो स्लाइड होने के बाद ये स्पाइरल व्हील लाइक जो प्रोटीन स्पाइक्स होते हैं यही जिम्मेदार होते हैं उन्हें वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी इसके टेल की। मिड पीस के अंदर इतने ही पार्ट होते हैं। टेल की बात की जाए तो टेल अप्रोक्सीमेटली यहां से स्टार्ट होके यहां तक आती है जिसे हम लोग टेल कहते हैं, और ये स्पर्म के स्ट्रक्चर का 80% कहा जाता है, ठीक है जी, इसे स्पर्म के स्ट्रक्चर का 80% कहा जाता है। और अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पर्म स्टार्ट होती है इस किनारे से जिसे कहते हैं टर्मिनल डिस्क, ठीक है, ये जो ब्लू कलर है इसे हम लोग थोड़ा सा बोल्ड करके देख लेते हैं इस किनारे से। उसके बाद एक्सोनीम यहां पर थोड़ी सी पतली होकर पूरी लेंथ तक जाती है इस हिस्से को, ये जो रेड कलर की आपको लाइन नजर आ रही है इसे हम लोग कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। और ये एक्सियल फिलामेंट है, जैसे कि हमने पहले ही बात कर ली थी, जो पोस्टीरियर सेंड्यूल होता है स्पर्म के अंदर वो एक्सियल फिलामेंट बनाता है, ठीक है, ताकि एक्सोनीम की जो मूवमेंट होती है वो अक्रॉस
टेल तक उसी तरह जाती रहे, क्योंकि फ्लैजेला जो है, ठीक है, स्पर्म के अंदर जो टेल है जिसे हम फ्लैजेलम भी कहते हैं, इसी की क्या कहते हैं फ्लिकिंग या वेव लाइक एबिलिटी से स्पर्म ने आगे मूव करना होता है। लिहाजा एक्सियल फिलामेंट एक्सोनिन के इफेक्ट को प्रॉपर पूरी लेंथ तक ले जाती है। उसके बाद हम टेल के ये जो बाकी हिस्सा है इसे रेसिड्यू पोर्शन या इसे मिडल पोर्शन भी कहते हैं, ठीक है, यहां से लेके यहां तक के एरिया को हम लोग मिडल पोर्शन भी कहते हैं। कुछ बुक्स में मिडल पोर्शन को मिड पीस का हिस्सा समझा जाता है, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ माइटोकॉन्ड्रिया ट्विस्टेड फॉर्म में इस मिडल पोर्शन तक भी आते हैं, लिहाजा कुछ बुक्स में मिडल पोर्शन को मिड पीस का ही हिस्सा कहा जाता है। अगर हम लोग स्पर्म को मिडल पोर्शन में डिवाइड करते हैं देन यहां से लेके यहां तक का हिस्सा एंड पॉइंट कहलाएगा, ठीक है जी, एंड पॉइंट कहलाएगा। लेकिन अगर हम लोग स्पर्म को मिडल पोर्शन और एंड पॉइंट में डिवाइड नहीं कर रहे तो इतने से इतने हिस्से को टेल को सॉरी स्पर्म की टेल को अगर हम मिडल और एंड पॉइंट में डिवाइड नहीं करते तो ये सारा हिस्सा फ्लैजेलम या टेल कहलाता है और इसके सेंटर के अंदर जो फिलामेंट होता है उसे एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। इसकी अरेंजमेंट भी 9+2 ही होती है और यह भी माइक्रो ट्यूब्यूल्स का ही बना होता है। तो ये होता है स्पर्म के स्ट्रक्चर में, बाकी हिस्सा हेड हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं जी मोबिलिटी की, ठीक है जी, मोशन की। तो स्पर्म जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये मोशन शो करता है, ठीक है जी, क्यों करता है हमने अभी पढ़ लिया, इसके अंदर एक्सोनीम होता है जो कि मोबिलिटी मोटर होती है, ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट से बनता है और जब डायनिन जो कि ये प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है, ये जो हमें रेड कलर से लाइन नजर भी आती है ये डायनिन होती है जिसने कवर किया होता है हर तरफ से। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझ लेते हैं तो इस पेन इस पॉइंटर के अंदर जो फॉर्म है जिसके अंदर हम लोग इंक भरते हैं वो समझ लें कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और ये जो वाइट पोर्शन है जिसने उसे कवर किया है वो डायनिन है। तो मोबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमने स्पर्म को दो तरह की मोशन करते हुए देखा है, ठीक है, तो उसी निस्बत से मोशन की दो टाइप है, एक होती है एक्टिवेटेड मोबिलिटी, ठीक है जी, और दूसरी जो ज्यादा हाइपर होने के बाद ये करता है उसे कहते हैं हाइपर एक्टिवेटेड मोबिलिटी, ठीक है जी। ये दो टाइप की मोमेंट है जो मोबिलिटी है जो स्पर्म शो करता है मोशन के दौरान, और दोनों की जो डेफिनेशन है दोनों की रफ्तार में फर्क है, स्पीड में, दोनों की फ्लैजेला की बीटिंग में, या उसे कह लें कि जो ये मूव करवा के आगे स्पर्म प्रोपेल करता है उसमें फर्क आता है। जो एक्टिवेटेड मोशन होती है, ठीक है जी, मोबिलिटी होती है, ये हमें स्पर्म की नजर आती है जब ये टेस्टिस से एपिडिडिमस में जाता है, ठीक है जी, तब, जबकि हाइपर एक्टिविटी हमें कब नजर आती है, जब ये इजैकुलेशन के दौरान या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रैवल करता है, ठीक है जी। तो दोबारा बात करते हैं एक्टिविटी मोटर जो एक्टिवेटेड मोबिलिटी है ये हमें टेस्टिस में या जब स्पर्म मैच्योर हो गया एपिडिडिमस से आगे ट्रांसफर होता है तब नजर आती है, जबकि हाइपर एक्टिविटी जो मोबिलिटी होती है ये हमें कब नजर आती है, इजैकुलेशन के बाद जो स्पर्म की मोशन होती है या जो स्पर्म फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ऊपर की तरफ करता है तो उस मोशन को भी हम हाइपर एक्टिवेटेड मोबिलिटी कहते हैं। इसमें जो स्पर्म होता है ये इस तरह मूव करता है, ठीक है जी, इसमें स्पर्म की जो मोशन होती है उसके फ्लैजेला की वो ज़िगज़ैग क्रॉस में होती है, जबकि इस मोशन की मूवमेंट में वो कुछ इस तरह मूव करता है, ठीक है जी। स्पर्म की जो मूवमेंट होती है वो कॉइलिंग फॉर्म में हो रही होती है, वो कॉइल करके घूम रहा होता है, फ्लैजेला को बीट कर रहा होता है। इस मूवमेंट में जो एनर्जी है वो कम है, ठीक है जी, लेस एटीपी रिक्वायर, और इसमें क्या होगा जी, मोर एटीपी, ठीक है। तो ये दो तरह की मोबिलिटी की या दो तरह की मोशन हमें स्पर्म में नजर आती है, एक होती है एक्टिवेटेड, दूसरी हाइपर एक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड जब ये टेस्टिस से एपिडिडिमस में जाता है, एपिडिडिमस से आगे जाता है तब होती है, हाइपर एक्टिविटी जब इजैकुलेशन के बाद इसकी जो मूवमेंट होती है ये नॉर्मली जो मोशन हमें स्पर्म की फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर दिखाई देती है उसे कहते हैं। एक्टिवेटेड मोबिलिटी में स्पर्म ज़िगज़ैग मोशन में जाता है, जबकि हाइपर एक्टिविटी में स्पर्म का जो फ्लैजेला होता है वो कॉइल करता हुआ आगे की तरफ जा रहा होता है।
एक्टिवेटेड मोबिलिटी में स्पर्म को एनर्जी कम चाहिए लिहाजा कम एटीपी चाहिए, लेकिन हाइपर एक्टिविटी में क्योंकि इसने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से क्रॉस करके जाना है तो इसके एनर्जी की प्रोडक्शन भी ज्यादा चाहिए, इसे ज्यादा एटीपी चाहिए। और ये एटीपी लेता कहाँ पर, वो जो सीमन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि ग्लैंड्स कुछ होता है जो सिक्रीशन निकालते हैं उससे ये यूज़ कर रहा होता है। और मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म के स्पर्म का इंटरनली जब स्पर्म फर्टिलाइजेशन करता है तो वो उसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, ये इससे अगली हमारी वीडियो में आएगा, उसके बाद हम लोग बात करें। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, उसका मिड पीस, उसकी टेल, उसके कॉम्पोनेंट और मोबिलिटी ऑफ स्पर्म के, दो तरह की मोबिलिटी मोशन ये दिखाता है। तो इसके मतलब अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।